देखो असल में ये एक महिमा अलग थी, तो खूब विश्वास से मान ये काका जी ने कोई एक करुणा बरसाई, हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, एस्पेशली दिल्ली वालों के लिए। आप लोग कई चीजें भूल जाते हो, हाँ मैं तुम लोगों को याद कराता हूँ कि देखो हम मानते हैं कि हमारा धन तो काका जी हैं, स्वामी जी हैं, पप्पा जी हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने स्वामी नारायण को धरती पे अखंड रखे हुए। और काका जी 1985 में आखिरी बार जब यहाँ आए, उनकी भाषा को हम नहीं समझे, इन्होंने एक इशारा भी दे दिया लेकिन साथ साथ एक आशीर्वाद भी दे दिया। हाँ इशारा, इन्होंने ये झुग्गी में जब सभा हुई तब वो बोले कि महाराज से लेकर के आज तक ऐसी जगह सभा नहीं हुई है, याद आता है, ये तो अक्षरधाम की सभा है, वो बोले हुए थे। और अक्षरधाम की सभा भी मैं समझ सकता हूँ काका जी बोले, लेकिन मैं भी उस समय खूब विचारने था कि ये क्या बोले कि महाराज से टाइम के लेकर आज तक ऐसी सभा नहीं हुई। कहने का मतलब ये था इनका कि ये आखिरी सभा है, उसके बाद वो सभा नहीं हुई कोई। लेकिन साथ साथ उन्हीं दिनों इन्होंने एक आशीर्वाद ये भी दिए और यहां तक बोले कि अरे मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा तब भी तुम दिल्ली हो, दिल्ली वासियों के बीच में रहूंगा। शायद ये बात के पटेल साहब के यहाँ बोले, हाँ बोले थे, कैसे बोले, हाँ कौशिक आंटी को वो बोले थे कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा तब भी मैं तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे बीच रहूंगा, मुझे याद करना मैं हाजिर हो जाऊंगा। कितनी बड़ी चीज वो देखे गए हुए। अब हमारी फर्ज तो इतनी है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए काका जी काका जी काका जी, जिसने काका जी अब मानो नहीं देखे हुए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मंत्र स्वामी नारायण, इनको याद करा।